कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ सोनिया, आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी विद सोनिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी चीज जो बहुत काम की है। सर्दियाँ आने वाली हैं, उसके लिए तो भाई बहुत बेहद जरूरी है। तो ये है छोटी सी वो ग्रीसलीन है, एकदम छोटी सी पर बड़े काम की है ये चीज। पूरी सर्दी से लगाइए और अपने चेहरे को ब्राइट, टाइट, सॉफ्ट, लाइट, ग्लोइंग बनाइए। तो चलिए जल्दी से मैं बताती हूँ उसके बहुत अच्छे अच्छे आपको बेनिफिट। सबसे पहले तो ये आपको किसी भी केमिकल शॉप पर या किसी भी शॉप पर इजीली मार्केट में आराम से मिल जाएगी। और ये बहुत सालों से हम यूज कर रहे हैं इसको, अलग अलग तरीकों से हम कैसे यूज करते हैं, एज अ मॉइस्चराइजर, एज अ नाइट क्रीम, एज अ सीरम। तो आज मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगी कि हम इसको, एक छोटी सी इस ग्रीसलीन को हम कितने तरीके से अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं और हमारी स्किन हो जाएगी एकदम 101% एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल ड्राई नहीं होगी। विंटर में जगह जगह जैसे फटने लगती है, हमारी स्किन बिल्कुल भी नहीं फटेगी और हमारी स्किन एकदम सॉफ्ट, लाइट और शाइन एकदम, आप देखते जाइए। चलिए मैं बताती हूँ आपको, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम ग्रीसलीन से एक अच्छा क्लेंजर कैसे बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है मिल्क। मिल्क आपको पता है एक एक्सीलेंट क्लेंजर होता है। जितनी भी हमारे स्किन में डर्ट होती है उसको ये अच्छे से रिमूव करता है। हमारी स्किन में जितनी भी छुपी हुई सारी गंदगी, सारे हमारे ओपन पोर्स, जितनी भी उसमें गंदगी चिपक जाती है, सबको ये बहुत अच्छे से रिमूव करता है। देखिए, मैंने इसको अप्लाई करके मैं आपको बताती हूँ। मैंने ग्रीसलीन और मिल्क, एक चम्मच मैंने मिल्क लिया और उसमें 5 या 6 ड्रॉप्स डाली मैंने और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया और अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगाकर मसाज दिए और कॉटन के हेल्प से इसे साफ करें। देखिए कितनी डर्ट निकली है। सेकंड स्टेप मैं आपको बताऊंगी एज आ प्राइमर, एक ग्रीसलीन से हम कैसे अपना प्राइमर बना सकते हैं। देखिए, मेकअप से पहले भी प्राइमर लगा सकते हैं। मैंने लिया है एलोवेरा जेल, एक चम्मच मैं लूँगी एलोवेरा जेल इसमें और 1/2 चम्मच मैंने ली है इसमें ग्रीसलीन। दोनों को अच्छे से करेंगे हम मिक्स। मिक्स करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ इसे अपने फेस पर कैसा लगाना है। नाइट में भी हम इसे लगाकर आराम से इजली सो सकते हैं। डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे इसको लगाएंगे और अच्छे से इसको मसाज देंगे। देखिए कितना इंस्टेंट ग्लो आया है मेरे फेस पर। थर्ड स्टेप मैं बताऊँगी आपको एज आ मॉइस्चराइजर बनाना, कि ग्रीसलीन से हम एक कितना अच्छा मॉइस्चराइजर बना सकते हैं जिससे हमारी स्किन बहुत ही हाइड्रेट रहती है। तो मैंने गुलाब जल ले लिया है 1 चम्मच और थोड़ी सी ले ली है इसमें ग्रीसलीन मिक्स कर ली है और 1/2 नींबू इसकी मैंने, देखिए पहले इसका रस निकाल कर अच्छे से रख लिया था। इन तीनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और घर पर एक खाली कंटेनर बॉटल ही मेरी रखी थी गुड वाइब्स की, मैंने उसको यूज़ करा। इसमें हम अपना अच्छे से डालकर रख लेंगे और डेली नाइट में इसको अच्छे से लगाएंगे। चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे हम यूज़ करेंगे। तो मैंने अपने फेस पर अच्छे से डैप डैप करके इसको लगा लिया है और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे हमारी स्किन की सारी ड्राइनेस अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप मैं बताती हूँ कि एज अ नाइट क्रीम भी हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लीजिए, कोई भी नाइट क्रीम ले लीजिए और उसे 1 स्पून, थोड़ा सा मैंने इसमें ये डिप कर दिया है, ग्रीसलीन ले ली है मैंने पहले ही 5 या 6 ड्रॉप्स, उसमें एक अच्छा मॉइस्चराइज़र मैंने डाल दिया है और आलमंड ऑयल ले लिया है। आलमंड ऑयल आपको पता है हमारी स्किन को, जितनी भी हमारी ड्राइनेस उसको अच्छे से रिमूव करता है। साइंस ऑफ एजिंग को प्रिवेंट करने में ये हमारी बहुत हेल्प करता है। तो चलिए इसको भी मैं बताती हूँ कैसे हमें लगाना है। एज अ नाइट क्रीम हमें इसको डेली नाइट को अप्लाई करना है और देखिए कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट, एकदम बहुत ही प्यारा। जो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और जो मेरी, मैं नई नई वीडियो जैसे अपलोड करती हूँ, जो मेरे वीडियोस को देखना चाहते हैं वो मेरे चैनल को तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही मेरे बेल आइकन को भी जरूर हिट करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ सीधा पहुँचे किसके, आपके पास। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।